अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो ये है जी होंडा एन वैगन, और ये वाली जो गाड़ी है, ये गाड़ी जो है ये बड़ी फेमस जापानीज गाड़ी है, जिनमें इसमें तीन कैटेगरीज आती हैं। सबसे पहले आती है होंडा एन वन, एंड देन एन वैगन कस्टम एंड एन वैगन बॉक्स, ये गाड़ियाँ जो हैं इसमें आती हैं। ये वाली जो गाड़ी है ना, ये एन वैगन, ये सीरीज़ मुझे बड़ी प्यारी लगती है। उसकी रीज़न ये, गाड़ियों में खूबसूरती भी शामिल है, गाड़ियों में लग्जरी फ़ीचर हैं, गाड़ियों में सेफ्टी फ़ीचर बड़े इन गाड़ियों में अच्छे आते हैं। और ये गाड़ी जो है ये मार्केट में फॉल करती है तकरीबन कोई 21-22 लाख की रेंज के दरमियान, और डिपेंड करता है माइलेज के ऊपर भी, और फीचर भी इसमें जो हैं वो आते हैं उसके लिहाज से। और ये गाड़ी जो है ये बहुत ज़्यादा खुली डुली गाड़ी है, आप देख भी सकते हैं। तो आज वीडियो में मैं आपको दिखाता हूँ इस गाड़ी का ओवरव्यू। अच्छा, ये ना गाड़ियाँ सिटी ड्राइविंग के लिए बड़ी अच्छी समझी जाती हैं। उसकी वजह ये, एक तो इनकी फ्यूल एवरेज बहुत अच्छी होती है, फीचर इनमें बहुत ज़्यादा थे। हमारे यहाँ पर जो टॉप एंड की लोकल गाड़ियाँ आती हैं उस लेवल के फ़ीचर जो हैं इनमें आते हैं। और ये गाड़ियाँ जो हैं ये मतलब कि शहर में इनकी जो एवरेज है वो बड़ी अच्छी होती है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। ये इस गाड़ी की चाबी है, और ये बिल्कुल होंडा एन वन वाली है, मतलब इसमें सिर्फ आपको कलर नहीं मिलता, लॉक अनलॉक है, और पावर टेल गेट जो है वो इसमें नहीं आता। सिंपल चाबी, बिल्कुल सादा सी चाबी है, और बस यही है इसमें। जो होंडा एन1 होती है उसमें कलर वाली होती है, जिस कलर गाड़ी का जिस तरह का कलर होता है उसमें यहाँ पे वो कलर लगा होता है। सबसे पहले तो मैंने इसका AC स्टार्ट किया है, तो गर्मी आज शदीद किस्म की है, हब्स वाला फुल मौसम है, तो मैंने कहा इसी बहाने गाड़ी का AC जो है वो भी चेक हो जाएगा। और आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल इस गाड़ी में मिलता है, ये मोस्टली जापानीज गाड़ियों में आता है, आपको स्टोरेज स्पेस यहाँ पर मिल जाता है। ये स्क्रीन के लिए खाली है, आप चाहें तो यहाँ पर आप कुछ लगवा सकते हैं, स्क्रीन वगैरह आफ्टर मार्केट। और ये वेंट्स जो हैं काफ़ी बड़े हैं AC के, और ये इनका फ़ायदा ये है कि ये गाड़ियाँ जो हैं शहर में बड़ी मज़े की रहती हैं। आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप लेफ्ट साइड में मिलता है, इसका स्टीयरिंग व्हील भी काफ़ी खूबसूरत है, बट ये वाला ब्लैंक है। इसमें जो कस्टम आती है उसमें आपको ये मिलता है, जिसमें आपको स्टीयरिंग कंट्रोल्स मिल जाते हैं, इसके अलावा एडजस्टमेंट इनमें मौजूद होती है, ये देख लें। और ये टिल्टेड है, सिर्फ टेलीस्कोपिक नहीं है। यहाँ पे आपको जो इसका डायल है बड़ा प्यारा है, इसमें RPM मीटर नहीं है, बट इस तरफ आपको लेफ्ट साइड में पार्क, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव, इको मोड दे रहा है। और जो AC है ना यार, इसका बड़ा शानदार है। वैसे भी मुझे होंडा के AC जो है ना ट्यूटा के इस बार ज़्यादा अच्छे लगते हैं। इस तरफ आपको ट्रिप की इन्फॉर्मेशन दे रहा है, कितना माइलेज है, कितना फ्यूल बाकी है इस गाड़ी में। और यहाँ पर दरवाज़ा थोड़ा सा मैं साइड पर करता हूँ, तो स्टोरेज स्पेस यहाँ पर भी मिल जाता है, कप होल्ड। यहाँ पर आपको ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता है, इलेक्ट्रिक लाइट एडजस्टमेंट, ये CTBA ऑफ, ये प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा अगर किसी को पता है। यहाँ पे भी कोई स्टोरेज स्पेस आपको मिल जाता है। ये सारे के सारे आपको जो है वो कंट्रोल्स मिल जाते हैं विंडो के, इलेक्ट्रिक पावर मिरर और पावर फोल्डेबल मिरर्स होते हैं, स्टोरेज स्पेस भी है यहाँ पे। और अच्छा है मटेरियल, थोड़ा सा लाइट है, थोड़ा सा डार्क कलर का मटेरियल जो है इसमें लेआउट दिया है। यहाँ पे भी आपको स्टोरेज स्पेस अच्छे खासा मिल जाता है, और ग्लाव बॉक्स भी इसका काफ़ी अच्छा है, तो अच्छी है, प्रैक्टिकल गाड़ी है। यहाँ पे आपको इधर 12 वाट का सॉकेट मिल जाता है, इधर भी स्टोरेज स्पेस मिल जाता है। ये एरिया फ्लैट है क्योंकि ये सीट जो है ये वो बेंच वाली सीट है। यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा एक वैनिटी मिरर भी मिल जाता है, और ये जो मिरर है ना ये इसमें आपको एक अच्छी चीज़ है। यहाँ पे ना ये सिम्पटम साइंस बने हुए हैं, यहाँ पे ये आपको बताते हैं जी सीट बेल्ट वार्निंग का, तो ये एक अच्छी चीज़ है यहाँ पे दिए हुए हैं। लाइट्स इसमें सादा सी आती हैं दोनों तरफ, और इस गाड़ी में आपको कर्टन एयर बैग्स भी दोनों साइड पर मिल जाते हैं, ये एक अच्छी चीज़ है। अगर तो बात करूँ इस गाड़ी की सीट्स की, तो आप देख लें कि मैं कितना कंफर्टेबल बैठा हूँ, और लेग रूम और हेड रूम दोनों का कोई इशू नहीं है। मेरे हाइट वाले बंदे के लिए, मेरे लिए लेग स्पेस भी बड़ा अच्छा है। और ये आपको मैंने बताया है कि ये खुल जाती है, आप इसको ऊपर कर लें तो ये यहाँ पर छोटा सा बच्चा बैठा लें, ऐसे कर लें तो आप बैठ जाएंगे, और बड़ी खुली गाड़ी फील होती है, कम्फर्टेबल गाड़ी है, ये इन गाड़ियों की सबसे अच्छी चीज़ है। सो ये सीट जो है ये मैंने काफ़ी पीछे की हुई है, और इसको पीछे लेआउट किया हुआ है थोड़ा सा ना, वो क्या उसके कहते हैं अपने औकात से बाहर वाली का बात की है, फिर भी आपको लेग स्पेस जो है वो ठीक मिलता है। और ये जो सीट्स हैं ये वैसे भी इनका लेआउट बड़ा अच्छा है, मतलब जिस तरह ये बनाई गई ना होंडा की, ये जो चीज़ें ना ये मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं। सस्पेंशन के अलावा होंडा की मुझे गाड़ियाँ जो है डिज़ाइन वाइज ज़्यादा प्यारी लगती हैं, तो लेग स्पेस का आपको किसी किस्म का कोई इशू ना होगा पिछली सीट्स में भी। इसमें जो बूट स्पेस है वो आपको रीज़नेबल सा मिलता है, बहुत ज़्यादा नहीं मिलता, क्योंकि ये गाड़ियाँ बड़ी अच्छी होती हैं लेग स्पेस वाइज। आपको नीचे यहाँ पे देखें काफ़ी डीप ये जो है मिलता है, अगर आपने इसको यूज़ करना है, वरना इसको आप बंद कर दें, तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। इसमें ये देखें यहाँ पे ये बना हुआ है, स्प्लिट बना है, वैसे ये सीट्स भी फोल्ड हो जाती हैं, यहाँ से आप इसको खींचते हैं तो ये सीट्स जो हैं आगे चली जाती हैं, 50-50 का स्प्लिट है। यहाँ से भी ये देखें बनी हुई है लैचेज, आप इनको आगे लेके तो मज़ीद सामान जो है वो लेके जा सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा नहीं बस रीज़नेबल सा हैचबैक है, हैचबैक में इतना ज़्यादा सामान आता भी नहीं है।
सो ये गाड़ी का जो एक्सटीरियर डिज़ाइन है ना, तो ये काफ़ी बॉक्सी डिज़ाइन है, ये एन वैगन में आता है। गाड़ी काफ़ी ऊंची है, जैसे टॉल बॉय लुक होता है वैगनार का, बट वैगनार से हज़ार दर्जे हमारे वाली से ज़्यादा बेहतर है इस गाड़ी की जो लेआउट है। LED स्टॉप लैंप आपको ऊपर मिल जाता है, और आपको रूफ में ऊपर भी ये स्लॉब से बने हुए हैं, पता नहीं किस लिए हैं। वैन में इस तरह की चीज़ें होती है, आपको प्राइवेसी ग्लास मिलता है पीछे, रियर वाइपर के साथ स्प्लिट टेल गेट मिलती है आपको। यहाँ पर काफ़ी बड़ी आपको 5-4 LED लाइट्स मिल जाती हैं, जो कि ब्रेक लाइट और दूसरी चलती है। ये काफ़ी प्यारी है दिखने में, यहाँ पर स्प्लिटर बना हुआ है। इसके अलावा आपको पीछे इसमें जो है यहाँ पर एन वैगन जो है वो लिखा हुआ मिलता है, और नीचे आपको कुछ नहीं मिलता। काफ़ी ऊँची ये गाड़ी है। पिछली साइड जो है इस गाड़ी की बहुत क्लीन है, सिंपल सी गाड़ी है। आपको यहाँ पे बस थोड़ी सी एक लाइन मिलती है, 14 का इसमें व्हील का पता है, अलॉय व्हील नहीं है इसमें, और आपको कीलेस सिस्टम मिलता है यहाँ से, मतलब आप वन टैप इसको ओपन कर सकते हैं। यही बस है इस गाड़ी की। और इसमें आपको साइड मिरर जो है उसमें भी आपको LED लाइट नहीं मिलती, और लेकिन ये मिरर जो है वो काफ़ी बड़े हैं, तो साइड जो है इस गाड़ी की उनसे काफ़ी ये गाड़ी जो है साइड से क्लीन है। फ्रंट डिज़ाइन जो है इस गाड़ी का वो प्यारा है, मतलब दिखने में काफ़ी खूबसूरत बनाया है। एक तो यहाँ पे ये जो लाइट्स है ना, लाइट्स के साथ ये एक आप कोई इन्होंने क्रोम की एक लाइन दी हुई है, तो ये ऐसे मतलब पूरा एक पीस लगता है। नीचे भी आपको यही चीज़ नज़र आती है। लाइट्स जो है ऑब्वियसली इसमें सादा ही आती हैं, और आपको फ्रंट में रेडिएटर जो है वो बिल्कुल सामने ही मिलता है कूलेंट के लिए। यहाँ अगर यहाँ पर कोई चीज़ लग जाए तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम कर सकता है, अगर कोई चीज़ इसके अंदर लग गई तो ये टूट जाएगा, तो ये थोड़ा सा हो सकता है। बहरहाल इतना ऐसा भी इशू नहीं, अगर बम्पर के है, ये जैपनीज़ गाड़ियाँ थोड़ी ज़्यादा मजबूत होती हैं लोकल से, बाकी जो है गाड़ी फ्रंट से बिल्कुल सिंपल सी है। बात करूं इस गाड़ी की सेफ्टी फीचर्स की, तो इस गाड़ी में आपको 8 एयरबैग्स मिलते हैं, 2 फ्रंट में, पिलर्स में, पीछे वाले सी पिलर्स में, आपको सीट्स में भी मिलते हैं, ABS ब्रेक्स मिलती हैं। इसके अलावा इसमें इको मोड मिलता है, कीलेस एंट्री मिलती है। इसके अलावा इस गाड़ी में आपको ABS प्लस EBD ब्रेकिंग सिस्टम और रडार क्रूज कंट्रोल जो है ये भी मिलता है, तो लोडेड है सेफ्टी फीचर्स के मामले में ये गाड़ी। सो इंजन जो है ऑब्वियसली इस गाड़ी में 660 CC आता है, और इसमें होंडा का ये जी अर्थ ड्रीम टेक्नोलॉजीज़ ये यूज़ करती है। मुझे नहीं पता इसका क्या मतलब, अगर आपको पता तो आप भी बता दीजिएगा, बट ये गाड़ी जो है आपको फ्यूल एवरेज बहुत इजीली 20+ के शहर में दे देगी, कोई शक व शुबात की बात नहीं है। और फ्यूल एवरेज के मामले में जैपनीज़ गाड़ियाँ बहुत बहुत अच्छी हैं। अभी लोकल ऑल्टो जो है उसकी फ्यूल एवरेज भी काफ़ी अच्छी हो गई है, तो एवरेज के मामले में कहीं पर भी नहीं जाती। और अगर आप इसको गाड़ी पर लॉन्ग पर भी चलाएँ तो 100 तक आप इसको गाड़ी को चलाएँ AC के साथ, तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस ये गाड़ी देगी। सो ये थी जी होंडा एन वैगन, और बड़ी अच्छी गाड़ी है, बड़ी कंफर्टेबल खुली डुली गाड़ी है, और फीचर वाइज ये गाड़ी जो है बड़ी मज़े की है। और इसमें बैठ के ना आपको घुटन वाली फीलिंग तो आ ही नहीं सकती, मतलब वैगन वाली फीलिंग आती है, नाम ही वैगन है, तो कंफर्ट वाइज राइड वाइज ये गाड़ी अच्छी है। इसकी सस्पेंशन थोड़ी सी हार्ड होती है, होंडा की वैसे थोड़ी सी स्टिफ होती है सस्पेंशन, मैं ये नहीं कहता कि ये तंग करती। हमारे यहाँ पे मिक्स तरह की सड़कें हैं, मतलब अगर आप इस गाड़ी को मोटरवे पे चलाएं, स्मूथ रोड पे चलाएं, ये बड़ी मज़े की गाड़ी है, बहुत अच्छी ड्राइव है इनकी। लेकिन जब आप किसी खड्डे वाले रोड पर जाते हैं ना, तो तब ये थोड़ी हार्ड होती है सस्पेंशन, तो आपको फील ज़्यादा होता है, तो ये थोड़ा सा होता है। मैं थोड़ा सा ज़्यादा सॉफ्ट सस्पेंशन वाली गाड़ी को प्रेफर करता हूँ, पर इन गाड़ियों की हैंडलिंग जो होती है वो ऑब्वियसली स्मूथ रोड पर बेटर होती है ऑफ सस्पेंशन से। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी, पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।